हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज है ट्यूसडे और आज है दशहरा, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दशहरा। तो आज युग का भी पहला दशहरा है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी गाइस कि नालागढ़ में दशहरा कैसे सेलिब्रेट करते हैं। सो गाइस, अभी आ गई थी युग की बुआ और वो खेल रही है युग के साथ। सो गाइस, दादी ने मुझे कहा था ये बनाने के लिए, तो मैंने अब ये बना दिए हैं। तो आइए दादी से जानते हैं कि ये क्या है और हमने इनको क्यों बनाया है। दादी जी, ये कानू बनाते हैं? रावण दे दशहीर हुंदे आ, उन्हें पूजदे आ रावण नू। तां अज दे दिन रावण रामचंद्र ने मारिया सीगा, है ना। रामचंद्र ने रावण मारिया सी, जीत होई सी रामचंद्र दी। रावण नू खत्म करता सीगा, ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਦਸਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ। ਅੱਜ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਿਆ, ਇਸ ਰਾਕਸ਼ਸ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ 10 ਸਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਜੌਂ ਸਭ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਜੌਂ ਟੰਗਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਪਕਾਉਣ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਖਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ। ਚਲ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ये थाली कर दिया गाइस तैयार जौ के साथ। सो गाइस, ये सारा सामान रख दिया है हमने पूजा में। आज के दिन बनते हैं काले माँ और चावल, दही रखा जाता है साथ में पूजा में। और ये है हमारा प्यारा सा पूजा घर। दादी ने इसको बड़े प्यार से रखा है सजाकर। सो गाइस, अभी गुगू कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो ये कॉपी पे गुगू बना रहे हैं स्वास्तिक। मैं आप सबको बताना चाहूँगी गाइस, गुगू के दादाजी ने आज से 10-11 साल पहले ही गुगू को ये जिम्मेवारी सौंप दी थी। तो वो इस डायरी पे स्वास्तिक बनाकर इस पे लिखते हैं कि कौन कौन जो है दशहरे के फंक्शन में हमारे घर में शामिल है, और उसके बाद हम आगे पूजा करते हैं। तो ये गुगू बना रहे हैं स्वास्तिक, और आप देख सकते हो। सो गाइज, अभी गुगू लिख रहे हैं नोटबुक पर कि कौन कौन आज के दिन शामिल है हमारे यहाँ पे, और उसके बाद वो इसको पढ़कर एक बार सबको सुनाएंगे। लोग बही खाता बदलते थे आज के दिन, तो अब बही खाता बदलते थे, पूजा करते थे, पूजा करके बया बया खाता नहीं, तिल करते थे, शुरुआत करते थे। सो गाइज, आज के दिन से सभी लोग करते हैं नई बही खातों की शुरुआत। टूटती नहीं, हाथ छोटी है, रख दे। सो गाइज, हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं दशहरे के फेस्टिवल को। आप देख रहे हो सब कुछ है, किस तरह से क्या क्या हो रहा है। सो गाइज, हर तरह के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, तो हमारे यहाँ पे नालागढ़ में कुछ इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं दशहरे को। मैंने भी यहाँ आके ये सब देखा। तो गाइज, ਡਰ ਗਿਆ।
सो गाइस आप देख रहे हो युक्की बुआ कैसे युक्के कानों में जौ टांग रही है। तो अब आ गई है पापा की बारी और अब हिमानी टांग रही है पापा के कानों में जौ। गाइज ये बड़ा ही अच्छा फेस्टिवल है, देखने में इतना अच्छा लगता है ना सब कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो अब आ गई है युग के पापा की बारी और देख सकते हो आप दोनों भाई बहन का प्यार। सो गाइज अब हम आ गए हैं चाची जी के घर पर और ये है स्वीटी। तो गाइज मिलिए स्वीटी से, ये कितनी एक्साइटेड होगी हमें मिलने के बाद कि इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो गाइज ये है युग के चाचू और ये खेल रहा है युग के साथ। तो युग भी मस्त है अपने चाचू के साथ खेलने में। और साथ ही गाइज मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी ननद की शादी की शाही चिट्ठी। सो गाइज नेक्स्ट मंथ मेरे चाचा जी की बेटी की शादी है और ये उसके इन लॉज के यहाँ से शाही चिट्ठी आई थी, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ गाइज। देखिए कितनी प्यारी। सो गाइज ये है कुछ क्लिप्स जो हमने चाची जी के घर पे ली थी और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और गाइज इस तरह से हमने सेलिब्रेट किया अपने दशहरे फेस्टिवल को। तो गाइज आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट करते हैं दशहरे को। एंड गाइज अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज एंड कीप वॉचिंग।